Yeah.
अर्पण कर दीजिए और तिलक कर दीजिए श्री महाराज जी को।
वही वही चरण पादुका भी लगा दीजिए, माला पहना दीजिए, चंदन वही लगा दीजिए। सोमो राजा विद्वान यज्ञमालमुच्यत चंद्रावले ब्रह्म समर्पयामि श्री व्यास नारायण नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इधर रहिए उनको। हरि ओम हरे हे प्रतिमोदसं पशुवते हे पशुवरे अपाय सजतोरे वेदवतः पारिश्वः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री व्यास नारायण नमः। महामंडलेश्वर 1008 रसिक पीठाधीश्वर मंत्र श्री जन्मेजय शरण जी महाराज जी का यहाँ पर माल्यार्पण किया गया है। इसके उपरांत अब हम तुरंत आरती की शुरुआत करेंगे। सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कृपया आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मुख्य यजमान परिवार की तरफ से मैं निवेदन करूंगा मुख्य यजमान हमारे शाह जी उनके पूरे परिवार को भी पूरे परिवार के साथ आरती में तैयार रहे। आइए सभी विप्रों का तिलक करें। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्गीताय विष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ललित ललित सियाबी की आरती श्री रामायण जी की किरत कलित ललित सियाबी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अरुसारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरति श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जान दान सन तन को सर्वस सार अंश सम मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्जी बखानी कागे भुसुंडे गरुड़ के ही की आरत श्री राम जुपति की दलन रो
सुदीन नदीने तुम समान रघुवीर संचार उद्गम स्वर हर हम संभवी। सर ये आज के राम कथा के बारे में बताओ। राम कथा जीवन का धरोहर है। राम कथा में पूरा राष्ट्र है। राम जी जन जन के कण कण में व्याप्त हैं। उसी प्रकार से राम कथा से जीव के जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। भगवान की कथा जीव के जीवन को मंगल प्रदान करने वाली है। भव्य नव्य श्री राम कथा का जो महामहोत्सव होने जा रहा है ये जीवन की उत्कृष्टता है। भगवान की कथा से जीव के जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है, इसलिए हम भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये यही कथई स्नेह समेता कही हई सुनी हई समुझी सचेता होई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान की कथा जो श्रवण करेंगे, जो गान करेंगे, जो कहेंगे, जो सुनेंगे, सब परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए हम भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं। भगवान की कथा गाने की कही गई है। ये गावई यह चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। भगवान श्री राम का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए, राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। नवमी तिथि अभी 2 दिवस पूर्व, नवमी तिथि को भगवान का अवतरण का दिवस था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन गामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और श्री रामचरितमानस के प्रसंगों के अनुसार भगवान श्री राम की धरा में 5 लीलाएँ हुई। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। ये 5ों लीलाओं में भक्तों को भगवान आह्लादित किए। श्री रामचरितमानस कोई साधारण पुस्तक नहीं है, साधारण पोथी नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष यानी जिस वृक्ष के छाए में, जिस वृक्ष की परिधि में जाकर प्राणी जो मनोकामना व्यक्त करता है उनकी समग्र मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, वो श्री रामचरितमानस है। रामायण सुरतरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। इसलिए श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम जी का ही वांग्मय विग्रह है। विग्रह के विशिष्ट 7 अंगों के द्योतक ये 7 कांड श्री रामचरितमानस है। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे उदर बन्यो आरण्य हृदय किस्किंधा सोए सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो जहिमा रावण आदि निशाचर सकल समायो मस्तक उत्तर कांड हे विधि तुलसीदास बनु आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। श्री राम जी का ही वांग्मय विग्रह कलयुग में राम जी के द्योतक प्रतीक श्री रामचरितमानस है। जिन प्राणियों को श्री राम जी का दर्शन करना है वो श्री रामचरितमानस की कथा सुने, मनन करे, मंथन करे, श्री राम जी का दर्शन हो जाएगा और राम धाम के अधिकारी हो जाएगा। मैं रसिक पीठाधीश्वर मान जन्मेजय शरण श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, आज से कथा शुभारंभ हो रही है। शोभा यात्रा आप लोगों ने देखा, शोभा यात्रा की परंपरा है, यात्रा का अनंत महात्मा है। शोभा यात्रा में जो प्राणी जाता है उसका जन्म जन्मांतर का आवागमन समाप्त हो जाता है और वो भगवत धाम के अधिकारी हो जाता है। इसलिए शोभा यात्रा, मंगल यात्रा, कलश यात्रा से ही शुभारंभ होती है हमारी कथा। आज से कंटिन्यू ये कथा का जो निर्धारित समय दिया गया है 4 बजे से 9 बजे तक, ये अपनी अनवरत समय से
चलती रहेगी प्रति दिवस और 21 तारीख तक पूर्णावती होगी। एकता में सभी भक्त लोग आकर आनंद लें, आह्लादित हों और कथा रसपान करें और कथा सागर में अवगाहन करें। जय सियाराम। माननीय विपुल भाई शाह जी, बिल्डर संतोष मिश्रा जी और पुनीत जी और सभी इनके पंकज जी और अंजनी जी और कौन-कौन है प्रणाम, सभी कथा आयोजन समिति के आशीष मिश्रा जी, अंजनी जी, आप सभी जो इनके सहयोगी जन हैं, ये महिला मंडल है और सभी मंडल के लोग जो इसके सहयोगी हैं, सभी को मंगल कामना शुभकामना धन्यवाद के पात्र हैं। सब जो आज अपने अपने कार्य में अपने अपने मकान दुकान बनाने में सभी लोग लगे रहते हैं, लेकिन राम काज के लिए जो आगे कदम बढ़ा दे उसी का जीवन धन्य माना जाता है। आज हम राम काज की ओर, राम कथा से राम जी के दरबार तक पहुंचने की विधा में जुड़ रहे हैं और सबको जोड़ रहे हैं। ये समिति और आयोजकों सबको बहुत बहुत मंगल कामना शुभकामनाओं के सहित जो आए सबको जय सियाराम। जय सियाराम। मीडिया वालों को भी, सुरक्षा कर्मी को भी, सभी को मंगल कामनाओं के साथ। जो आए हैं और जो नहीं आए हैं उनको भी मंगल कामना आपके चैनल के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से सभी का आह्वान कर रहा हूँ। सब लोग आकर कथा सुधा रसपान करें और जीवन का आनंद लें। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम।